महक। क्यों मुझे बार बार ये आवाज महक याद दिलाती है? बनवारी लाल झोल और उनका पूरा परिवार यहां से बाहर जा रहा है। हाथ में जान ला, उठा अपने इस कलेजे कीड़े को, तो तोड़ दूंगा तेरे हाथ और इसके पैर। चल जल्दी। महक कैसे जिंदा हो सकती है? आप हमेशा हमसे बिना पूछे यहाँ वहाँ भाग क्यों जाते हैं? आप माँ से प्यार नहीं करती हो क्या? ओ मेरी माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करता रहता हूँ और तुम डरती रहती हो। नहीं, माँ है ना हम, इसलिए हमारे लिए डरना हमारी प्यार और परवरिश का हिस्सा है। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, छोटे हैं। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी। माँ, तुमने ये वाली पिक्चर देखी है क्या? उसमें क्या होता है? ये फिल्म है आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार। ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची इंसिया की, जिसकी माँ को प्यार से इंसु बुलाती है, और वैसे ही हम आपको नींबू बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इंसु को गाना बहुत पसंद है, वो खूब अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके जो पापा हैं ना, उन्हें उसका गाना बजाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इंसु दीदी के पापा भी क्या मेरे पापा जैसे बहुत बहुत खरूस है क्या? नहीं, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते ना। सॉरी माँ, आगे बताओ क्या हुआ इंसु दीदी को? इंसिया के पापा को ना इंसिया का गाना बजाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इंसिया की माँ नजमा ने उनकी मदद करी अपने पति से छुपा कर। तो जो बन पड़ा ना वो किया, और इंसिया को गाना गाने का मौका दिलाया। आपको पता है, इंसिया की माँ के प्यार के कारण इंसिया ने दिल भर कर अपनी दिल की सुनकर खूब अच्छे से गाना गाया और खूब नाम कमाया। इंसु दीदी की माँ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है माँ। जरा बाहर का मटका कर, दिल्ली हो या ऋषिकेश, तेरे लिए कायदे कानून सब जगह बराबर है। तो क्या हमने कहा अपना बटुआ अंदर भूल आई है? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, चौखट से कदम बाहर रखते हैं यहाँ, लगता है काटनी पड़ेगी इसे। क्यों अब ये लोग कौन है? सॉरी, आजा बेटा नीचे चल। मैं आर्ची के साथ कौन है? अरे इन्हीं लोगों से तो मिलवाना है तुझे, वेडिंग प्लानर। अम्मा मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे फालतू का शौक पसंद नहीं है, और आप फिर भी। बेटा तेरी दूसरी शादी हो रही है, मगर आर्ची की तो पहली शादी है ना, और सोच अरविंद भाई सबको कैसा लगेगा जब उनकी इकलौती लड़की की शादी इतनी रुखी सुखी हुई। तो प्लीज चाची, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका शहर है, आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी यहाँ पे, इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे।
चाची ये शहर छोड़कर मैं जाऊंगा और फिर कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा अपनी जिंदगी समेट कर, बस कुछ दिन में। अब आप सब कुछ भूल के अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। तुम्हें पता है तुम्हें और महक में एक बात कॉमन है, तुम दोनों का दिल बहुत अच्छा है। खुद से पहले तुम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो। थैंक यू। अपने प्यार के लिए मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। किसी को भी ये सच नहीं पता चलना चाहिए। मुझे बहुत ही जल्द शौर्य से शादी करनी होगी और इन लोगों को वापस अपने गांव भेजना होगा। हरिओम। देखिए मैंने सब जुगत बिड़ा लिया है। ये शादी आपको 3 दिन में करनी होगी वरना 7 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। अरे पंडित जी, 3 दिन में कैसे हो जाएगा ब्याह? 3 दिन में तो घर से भागे हुए आशिकों का ब्याह भी नहीं होता। Come on, पंडित जी, be practical, कोई तो रास्ता होगा। जी। अगर कोई रास्ता नहीं है पंडित जी, रेत और सीमेंट डाल के रास्ता बना तो नहीं सकते ना, और 7 महीने शादी के लिए वेट करना इज इम्प्रैक्टिकल। हरीश जी, करुणा जी, क्या कहते हैं? अगर जेब में पैसे हो तो शादी के अरेंजमेंट 3 दिन में क्या 3 घंटे में हो सकते हैं? ये बात भी सही है। अरे जब ठान लेंगे तो भगवान भी मिल ही जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है मगर शौर्य? I'm okay. ये तो मैं की हाथ की पंजीरी का स्वाद है। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए। इसका मतलब नीव की माही महक है। सच अगर परिवार वालों के सामने आ गया तो तुम रातों रात घर के राजा हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये सच परिवार वालों के सामने आना जरूरी है। पति हो तो तुम्हारे जैसा। ओहो दीदी, देर आए पर दुरुस्त आए, पर अब आए तो क्या फायदा? जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो, 1, 2। मुन्नी भाई वाली। शालिन पर नजर रखनी होगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से ही अपना व्रत तोड़े, तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आएगा। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं, और तुम्हारे चेहरे पे तो साफ लिखा है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम हो ही इतने क्यूट से। समीर और सृष्टि, मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा है? ये सब अचानक क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी बात कह सकती हैं। अब सच छुपाकर क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि असली गुनहगार का नाम सामने ना आए, ताकि घर वालों का, खासकर कि नरेन बाबू का दिल ना दुखे।